क्वेश्चन नंबर फोर देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबाइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप। आपको क्या करना है, आप एक पिट जो है वो डिग कर रहे हो, यानी एक गड्ढा खोद रहे हो, उस गड्ढे की लंबाई दे रखी है 8 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई दे रखी है 6 मीटर, और उसकी जो ऊंचाई यानी डीप लिखा हुआ है तो उसकी हाइट दे रखी है 3 मीटर, एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। ठीक है, आपको क्या करना है कि एक मीटर, एक क्यूबिक मीटर का जब हम क्या निकालते हैं, गड्ढा करते हैं, ठीक है, तो उसका जो है कॉस्ट है ₹30। तो अगर हम इतने लेंथ, इतने ब्रेथ और इतने हाइट की अगर हम क्या करें, गड्ढा खोदें, तो उसका कॉस्ट क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, कैपेसिटी ऑफ टैंक निकाल, सॉरी कैपेसिटी ऑफ पिट निकालेंगे, या वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम ऑफ पिट। वॉल्यूम ऑफ पिट क्या होगा हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ भी दे रखी है, ब्रेथ भी दे रखी है आपको, और हाइट भी गिवन है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया, 144 क्यूबिक मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ पिट। ठीक है, अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ डिगिंग जो है हमारे पास 1 मीटर क्यूब का कितना दे रखा है, ₹30। तो हम क्या कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 144 क्यूबिक मीटर, 30 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और रुपीज़ हमारे पास आ गया 4320। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है, द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज़ 5000 लीटर। एक कैपेसिटी जो है किसी भी टैंक की कितनी है, वो 50,000 लीटर है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, हमें क्या निकालना है, ब्रेथ फाइंड करना है टैंक का, ऑफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ। लेंथ हमारे पास गिवन है 2.5, और उसकी जो डेप्थ यानी उसकी जो हाइट है वो 10 मीटर गिवन है। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक गिवन है हमारे पास 50,000 लीटर, ब्रेथ हमें फाइंड करना, लेंथ दे रखी है, हाइट दे रखी है, तो फॉर्मूला हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट किसका होता है, वॉल्यूम का। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम को हम यहीं लिखेंगे, और लेंथ और हाइट जो है उसकी इधर डिवाइड में ले लेंगे, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू हाइट। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास जो कैपेसिटी थी 50,000 लीटर में है ये, और इसको डिवाइड कर देंगे 2.5 इनटू 10 से, यानी लेंथ और ब्रेथ लिख दिया, इसका डेसिमल हमने हटाया, तो इस डेसिमल को हटा के यहाँ एक जीरो ले ली हमने, इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो, इस जीरो से इस जीरो हमने कैंसिल कर दी, कैंसिल करने के बाद हमारे पास आ गया 50,000। ठीक है ना, 50,000 को हम 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 लेफ्ट रह जाएगा यहाँ पे, 25 से जब 50,000 को डिवाइड करोगे तो 2,000 आ जाएगा। अब ये जो आंसर आया वो लीटर में आया, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी गिवन थी। अब देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, हाइट जो है वो लीटर में तो हो नहीं सकती है, तो हम लीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 0, 0, 0, 3 0 उसकी कैंसिल हो गई, तो बच गया आपके पास ब्रेथ, ब्रेथ कितना आ गया आपके पास 2 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके ब्रेथ फाइंड कर दिया।